गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपने क्लास एट का पढ़ेंगे सब्जेक्ट है मैथ और टॉपिक हमारा तो पहले चल रहा था पावर एंड एक्सपोनेंट्स यानी या एक्सपोनेंट एंड पावर्स। अब इसमें क्या पहले आपको सिंपलीफाई तक मैंने करवा दिया था, बट वो क्या था पुरानी बुक थी उसमें ये चैप्टर थर्ड था और जो एनसीईआरटी की नई सिलेबस जो आपने शुरू किया है उसमें एक बार चैप्टर है। अब इसको बीच में तो छोड़ नहीं सकते, इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए अब अकॉर्डिंग टू न्यू बुक कुछ क्वेश्चन था कि आप सब न्यू बुक से करवाइए क्वेश्चन। क्वेश्चन मैथ में होता क्या है, नंबर चेंज होते हैं, आपको क्वेश्चन आ गया तो उसमें सम कोई भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए, फिर भी अपने न्यू बुक से करवाते हैं आज। तो इसमें अगर कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स इसके कुछ नियम होते हैं जो पहले मैंने डायरेक्ट आपको क्वेश्चन करवाए थे सिंपलीफाई, अब ये लोग क्या होते हैं वैसे सेम क्लास में करा चुका हूँ आपको लमसम आते ही होंगे, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं एक्सप्लेन कर लेते हैं। यानी फर्स्ट है a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल्स a की पावर m माइनस n, यानी एक्सपोनेंट सेम हो पावर डिफरेंट हो और डिवाइड में हो तो क्या होता है पावर माइनस होता है। इसको एक अपने एग्जांपल के जैसे समझते हैं, जैसे 2 की पावर 4 और 2 की पावर 3 एक्सपोनेंट सेम है पावर डिफरेंट है तो इसका हो जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 3 यानी 2 की पावर 1 या अब सेकंड आता है a की पावर n की होल पावर n तो क्या होगा, यानी एक्सपोनेंट्स के पावर लगी है उसके होल पावर और लगी है तो इस कंडीशन में होगा a की पावर n n यानी m n। इसको भी अपने आप समझते हैं 2 की पावर 3 की होल पावर 2 तो इसका हो जाएगा आपके पास 2 की पावर 3 इनटू 2 यानी 2 की पावर 6। अब इसको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं 2 की पावर 6 का मतलब ये नहीं है 6 into 2 6 टाइम 2 को मल्टीप्लाई। नेक्स्ट आता है आपके a की पावर m into b की पावर m यानी एक्सपोनेंट डिफरेंट हो पावर सेम हो तो क्या होगा a b m की पावर m यानी a b का एक्सपोनेंट का मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर को सिंगल में रह जाएगा। इसका आपने समझते हैं 2 की पावर 3 इनटू 3 की पावर 3 तो इसका हो जाएगा एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इनटू 3 इक्वल 6 6 की पावर 3 ये हो गया a b की पावर m। अब आता है आपके एक्सपोनेंट डिफरेंट हो और पावर सेम हो और ये डिवाइड हो तो क्या होगा, यानी a की पावर m और b की पावर m तो a b दोनों के पावर वही रहेगी, जैसे 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 इस कंडीशन में हो जाएगा 2 अपॉन 3 की पावर 3। अब नेक्स्ट आता है a की पावर 0 यानी उसकी वैल्यू 1 होगी, 0 किसी के भी पावर लगी है तो उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। अब उसके बाद में आता है a की पावर m एंड a की पावर l, जब एक्सपोनेंट सेम हो पावर डिफरेंट हो मल्टीप्लाई में तो क्या होगा पावर प्लस हो जाएगी। इसको अपने ऐसे समझते हैं 2 की पावर 3 इनटू 2 की पावर 4 तो इसमें 2 की पावर 3 प्लस 4 यानी 2 की पावर 7। अब ये तो हो गए लोग, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपने। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, वैसे तो सिंपलीफाई मैंने करवा दिया फिर भी इवेल्यूएट इस नई बुक से इसमें क्या फर्क पड़ता है, सामने तो चेंज है फिर भी करवाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका इवेल्यूएट और इवेल्यूएट का फर्स्ट है 3 की पावर माइनस 2। इसमें सबसे पहले तो ये है कि पावर अगर माइनस में है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी अभी न्यूमिनेटर है और ये 3 आ जाए ऊपर
square into 1 upon 3, यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 और 3 को 3 से किया 9, ये इसका आंसर है। अब इसी तरह सेकंड है इसका माइनस 4 की पावर माइनस 2, इसमें देखो ये अपना माइनस में है नंबर, इससे कोई अब देखो सेकंड क्वेश्चन है माइनस 4 की पावर माइनस 2, अब नंबर से तो फर्क नहीं पड़ता माइनस में है या प्लस में, तो कोई रेसिप्रोकल या ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन पावर अगर माइनस में है तो इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, यानी अभी ये न्यूमरेटर है इसको डिनोमिनेटर बनाएंगे, नंबर के साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी 1 अपॉन माइनस 4 की पावर 2 पावर हो जाएगी पॉजिटिव यानी प्लस में। अब पावर 2 है तो इसका मतलब 1 अपॉन माइनस 4 इंटू 2 नहीं है, 1 अपॉन माइनस 4 इंटू 1 अपॉन माइनस 4 2 2 टाइम हो गए इंटू 1 अपॉन माइनस। अब देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1, अब सबसे पहले साइन इसमें प्लस आता था तो प्रॉब्लम नहीं थी, बट इसमें माइनस है तो साइन का क्लियर कर लें कि आंसर कौन से साइन का है, माइनस इनटू माइनस इक्वल प्लस, तो ये श्योर हो गया कि जो भी नंबर आएगा वो आएगा प्लस, तो 4 इनटू 4 इक्वल्स 16, ये आपका आंसर आएगा। अब नेक्स्ट आते हैं वन अपॉन टू की पावर माइनस 5, अब ये भी रेसिप्रोकल होगा क्योंकि ये तो सिंगल नंबर थे और ये आपके एक्स में आ गए, तो इसको ये टू ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, अब नीचे से 1 लगाओ चाहे मत लगाओ, बहुत एग्जाम्पल देखो 2 अपॉन 1 है यानी 1 का 2 में डिवाइड देंगे तो वही आएगा, वन नीचे लिखते ही टू क्योंकि इसका आंसर टू ही आया है तो नीचे वन लगाने से अब टू की पावर फाइव भी अपने इसको लिख सकते हैं, क्यों कि ये पहले डेनोमिनेटर था अब न्यूमरेटर हो गया और डेनोमिनेटर वन आ गया, वन नीचे लगाने से क्या फर्क पड़ेगा, इसका आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वन का तो किसी से किसी नंबर में भी डिवाइड करो तो आंसर वो सेम ही आता है। अब पावर प्लस में होगी 2 की पावर 5 होगी तो यानी इसका मतलब ये नहीं होता कि 5 इंटू 2 5 टाइम 2 ये 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 यह आपका आंसर है।